1857 की जो जंग आजादी थी वो बहुत बड़े पैमाने पर थी, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये एक साल में खत्म हो गई थी, 1857 में खत्म हो गई। ये 1860 तक चलती रही, 59 तक तो बहुत मजबूती से चलती रही, और 1860 में जाकर इसके इसकी आखिरी जंगें लड़ी गईं। और ये मैं बताना चाहता हूं उन, और उन 1857, 1858, 1859 के दस्तावेजों के आधार पर कि ये जो इसकी शुरुआत होती है 1857 के आजादी की लड़ाई की, जब 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के अंदर एक जो कंपनी है तीसरी रेजिमेंट लाइट के 90 लोगों को कहा जाता है कि तुमने ये कारतूस खोलना है और इस कारतूस को मुंह से खोलकर करना है, उसमें से 90 में से 85 लोग विद्रोह कर देते हैं और कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और उसका नतीजा ये होता है कि 10 मई, 9 मई 1857 को उनका कोर्ट मार्शल के लिए उनको मैदान में मेरठ कैंटोनमेंट में पेश किया जाता है। और जो लोग आज इस देश को हिंदू मुसलमान की बाइनरी से देखते हैं उनको ये जानकारी नहीं है, या इस जानकारी के बावजूद वो घटिया काम करते हैं कि इसमें जो 85 लोगों ने जो विद्रोह किया था उसमें मुसलमान 49 थे और हिंदू 36 थे। ये मैं ब्रिटिश गजेटर्स के आधार पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि ये जब 11 तारीख को ये हथियारबंद इंकलाबी जो हैं ये पहुंचते हैं, और इस कितने थे, कितने हजार थे, उसके बारे में बहुत अलग अलग आंकड़े हैं, अलग अलग नैरेटिव हैं, उसी जमाने के अलग अलग नैरेटिव हैं। जैसे ये थे 800 थे, 1000 थे, 2000 थे, 4000 थे, लेकिन ये बात है कि वो हजारों की तादाद में थे। और वो 10 मई को जो संडे का दिन था वो वहां पर कैंटोनमेंट पर कब्जा कर कैंटोनमेंट में सारे अंग्रेजों के जो भी अवशेष थे, जो भी लोग थे, उनको बंदी बनाकर मारकर वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए। और 11 मई को जो सोमवार का दिन था वो यहाँ पहुंच गए दिल्ली, और दिल्ली में वो सीधा पहुंचे लाल किले पर, जो बहादुर शाह जफर साहब का महल भी था, उनकी रिहाइश भी थी, जहां उनको अंदर घुसने से मना किया गया क्योंकि अंग्रेजों की कंट्रोल में था वो, और अंग्रेजों के दलाल हिंदुस्तानी जो थे उनके कंट्रोल में वो सब था। तो ये लोग जबरदस्ती करके अंदर घुस गए, दीवाने खास में गए, वहां कोई मिलने नहीं आया, दीवाने आम में गए कोई मिलने नहीं आया, दीवाने खास में गए कोई मिलने नहीं आया। और वो लोग फिर बहादुर शाह जफर का जो बेडरूम से वो वहां पर पहुंचकर उनसे कहा कि हमने आपसे बात करनी है, और वो बात हुई। और यहाँ जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो जिस विषय पर आपने जो रखा है कि उसमें 80% हिंदू थे और 20% मुसलमान हथियारबंद थे इनकलाबी सिपाही, 80% हिंदू हथियारबंद सिपाही, एक बादशाह जिसको बिल्कुल गुलाम बना दिया गया है, जिसके पैरों में बेड़ियां नहीं डाली गई हैं लेकिन उसका वो सब तरह से बंधा हुआ है, एक कुछ पैसों पर पलता है, उनका राज जो है लाल किले में भी नहीं चलता, और मुगल बादशाह है, मुसलमान मुगल बादशाह है, ये 80% हिंदू जो सिपाही आए थे और जिन्होंने मजबूर किया बहादुर शाह जफर साहब को कि आप, बहादुर शाह जफर साहब जो है शुरू में आनाकानी कर रहे हैं काफी, बहुत लंबी बहस और ये सब है, और वो जो उन पर मुकदमा चला और उनकी जो सफाई है उसमें हमको साफ वो पता लगता है। तो खैर वो 80% हिंदू सिपाही वो उस दिन ये तय कर सकते थे कि अंग्रेजों ने इस बहादुर शाह जफर को बंद करके रखा है, आज हमको मौका मिल गया है कि आप मुसलमान शासन को, मुगल शासन को खत्म करके एक हिंदू राजा का स्थापना कर दे, को बिठा दें। वो रानी लक्ष्मीबाई हो सकती थी, तात्या टोपे हो सकते थे, वो पंत हो सकते थे, वो कोई दूसरा हिंदू जो लीडर थे जो आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे वो कर सकते थे। वो नहीं किया गया क्योंकि उस वक्त में हिंदू मुसलमान सवाल था नहीं, सवाल यह है कि हमारा ये बादशाह है, हम हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनकी रियाया हैं, और उनके साथ जो बदतमीजी और उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया गया, उनके जो सारे इख्तियार छीने गए हैं, हम उनको लौटाना चाहते हैं। और इसी इसी ऐलान पर, इसी उस पर बहादुर शाह जफर को उन्होंने तैयार किया, और बहादुर शाह जफर साहब ने कहा कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर अब उनके नाम पर और उनको असली शहंशाह घोषित कर दिया गया। और यानी जो लोग हिंदू मुसलमान देखने की कोशिश कर रहे हैं उनको
इस बात का पता होना चाहिए, जो दिल्ली की जो नौ टोपी यानी 9 मेंबर जो कमेटी बनी थी डिफेंस कमेटी, उसके जो लोग थे प्रधान सेनापति कमांडर इन चीफ बखा, श्याम सिंह दुगा, सिरदारा सिंह, गौस मोहम्मद, हीरा सिंह और एक दुआबी ब्राह्मण इनकलाबी सेना, और जिनको वो पूरा भी अभी कहते थे। और उसके साथ ही साथ इस बात का भी हमने ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है ये कोई तय नहीं कर रहा था कि हिंदू मुसलमान की एकता के लिए हमने ऐसी डिफेंस कमेटी बनानी है, बिल्कुल नहीं, ये नेचुरल हो रहा था, ये स्वाभाविक तौर पर हो रहा था। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको जरूर मेरे प्यारे दोस्तों सुनना चाहिए, कि जो तराना 13 तारीख को आजादी का तराना, जो जंगे आजादी का तराना जो सामने आ गया, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और जो 14 तारीख के दिल्ली के एक अखबार में छप गया, वो तराना अजीमुल्ला साहब का लिखा हुआ था, जो जो स्ट्रेटेजिस्ट थे उस लड़ाई के, स्ट्रेटेजिस्ट भी थे, वो तराना उर्दू में लिखा गया था। और वो उर्दू का तराना मैं आपके सामने पेश करता हूँ, या जरा सा मुझे मौका दें तो मैं उसको निकालता हूँ। उससे पहले मैं दूसरी बात आपसे करता हूँ कि ये जो कई ऐलानात हुए बहादुर शाह जफर की तरफ से, जिसको बरेली प्रोक्लेमेशन कहा जाता है, किसी को मिर्जापुर प्रोक्लेमेशन भी कहा जाता है, और ये ज्यादा जो थे शहजादा फिरोज शाह की तरफ से पेश किए गए थे, और ये उर्दू में थे, और उसमें से ये लिखा था, ये सबको अच्छी तरह पता है कि मौजूदा दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों धोखेबाज और काफिर अंग्रेजों के जालिम राज में बर्बाद किए जा रहे हैं। इस ऐलान जंग की खास बात यह थी कि मुल्क के लोगों से माफी मांगी गई थी कि जैसे हर इंकलाब में होता है कई तरह की ज्यादतियां हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही बादशाही सरकार बाकायदा काम करने लगेगी, जिस पर जुल्म हुआ है या किसी लुटेरे या फौजी ने लूटा है, उसको सबूत मिलने पर बादशाही खजाने से भरपाई की जाएगी। ये मैं किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि आरसी मजुमदार, सर सैयद राजनारायण बसु, बंकिम चंद्र चटर्जी ये बोल रहे हैं कि ये सब बदमाश, ये गुंडे थे, ये लफंगे थे, ये नीची जाति के लोग थे जिन्होंने ये किया। तो ये इस तरह का कुछ भी नहीं था, ये बहुत सोच समझ कर बनाया गया था। और दिल्ली में जो कुछ हो रहा था, मैं उसी जमाने के दस्तावेजों को के आधार पर आपको बता रहा हूं कि कोई नई तोप जब उसको मैदान जंग में रखा जाता था, उसको इंस्टॉल किया जाता था, तो कुरान की कुरान खुवानी होती थी और आरती पंडित जो थे वो आरती उसकी करते थे। और उसके अलावा एक वक्त के अंदर ऐसा लगा कि अंग्रेज हिंदू मुसलमानों के बीच में गाय को लेकर झगड़ा करा सकते हैं, तो बहादुर शाह जफर ने ये ऐलान किया कि गौकशी नहीं होगी, और अगर कोई भी अगर ऐसा ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसको तोप से उड़ाया जाएगा। और कुछ लोगों को तोप से उड़ाया भी गया। उसके बाद मैं आपको आई एम रशिंग विद द फैक्ट कि हरियाणा में मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ। हांसी के अंदर दो दोस्त थे, हुकुम चंद जैन और मुनीर बेग, ये दोनों गणित के विद्वान थे, ये संस्कृत के विद्वान थे, फारसी के विद्वान थे। और बहादुर शाह जफर की जो डिफेंस कमेटी थी, उन्होंने इसको हरियाणा, उस जमाने में भी इस इलाके को हरियाणा ही कहते थे, हरियाणा को आजाद कराने की जिम्मेदारी दी थी। खैर, इन्होंने बहुत लड़ाइयां हिसार और उसके आसपास पानीपत, झज्जर, गुड़गावां बहुत लड़ाइयां जीती, लेकिन गद्दारों की वजह से, खासतौर पर पटियाला का राजा, ये जिंद का राजा, उसके बाद नवाब पटौदी की गद्दारी की वजह से ये लोग गिरफ्तार हुए। और जो शर्मनाक काम हुआ, हिंदू मुसलमान एकता से कितना डरते थे अंग्रेज, उसके लिए उन्होंने क्या किया, डराने के लिए, दहशत फैलाने के लिए कि तुम हिंदू मुसलमान एक हो गए तो हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। हुकुम चंद जैन जी को उन्होंने दफनाया और मुनीर बेग साहब को उन्होंने उनकी चिता, उनको अग्नि दी। ये और जो अंग्रेज अफसर था उसने कहा कि तुम बहुत हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हो, हम तुमको बताना चाहते हैं कि तुमको हम किसी का भी मुक्ति नहीं होने देंगे। यानी अगर मुसलमान कब्र में नहीं जाएगा तो वो ये कह रहा है कि उसका उसकी हिसाब किताब नहीं हो पाएगा, उसको कहाँ जाना है। इसी तरह से हुकुम चंद जैन अगर चिता पर नहीं जलेंगे तो फिर उनका भी जो मुक्ति है वो नहीं हो पाएगी, इस हद तक। उसके बाद उन्होंने हांसी के पास जो इलाके हैं वहां पर उस जमाने का बुलडोजर जिसको वहां लोकल भाषा के अंदर गिरडी कहते थे, जो हरियाणा के लोग हैं वो जानते हैं इसको गिरडी। ये मैं फोटो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दो बड़े बड़े पत्थर होते थे, वो उसको गाड़ी पत्थरों से दो बड़े बड़े लोहे पत्थर लगाकर इसको बैलगाड़ी से खींचा जाता था, और जो
मारे गए लोग थे उनको नीचे इसके डालकर उनका तीमा बना दिया जाता था। तो ये हम देख रहे हैं। उसके बाद आप राव तुला राम जी का आप जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी, और उनके जो खास उनके साथ थे वो नवाब अब्दुल रहमान यूसुफ जई और चाचा उनके चाचा अब्दुल समद खान, और ये 23 दिसंबर 1857 को इनको लाल किले में फांसी दी गई। राव तुला राम झज्जर के थे और उनकी जिम्मेदारी थी दिल्ली को तिरपाल सप्लाई करना, खाना सप्लाई करना, पैसा सप्लाई करना, जो वो करते थे हमेशा बहादुर शाह जफर के लिए कर रहे हैं वो ये। और उसके बाद यानी उनकी चिट्ठियां हैं बहादुर शाह जफर के नाम कि मैं ये 2000 बोरियां भेज रहा हूँ, तिरपाल भेज रहा हूँ, रसद इतने इतनी तादाद में रसद भेज रहा हूँ, पैसे भेज रहा हूँ और हथियार भेज रहा हूँ राव तुला राम। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, राव तुला राम कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आया, वो अफगानिस्तान चले गए थे कि वहां कुछ प्लान करेंगे हिंदुस्तान को आजाद कराने का, और वहां उनका इंतकाल हुआ। मैं अयोध्या की बात आपको बताना चाहता हूँ। अयोध्या आज कितना हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़े का कारण है, झगड़ा जो है, जैसे हिंदू मुसलमान कोई दो नेशंस हैं जो हमेशा से लड़ते रहे हैं, ये वहां दो सेना के लोग थे। हाँ वो गीत आ गया, बहुत शुक्रिया। ये हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी थे बाबा रामचरण दास, और उनके दोस्त थे मौलाना अमीर अली। इन दोनों ने सेना का एक जत्था खड़ा किया और दोनों कई लड़ाइयां जीते, लेकिन अमेठी का राजा मानसिंह जो था और आसपास के जो राजे थे कुछ गद्दार, उनकी वजह से पकड़े गए और इनको दोनों को एक साथ फांसी दी गई। कुबेर टेला पर अयोध्या में इमली के पेड़ पर इनको फांसी दी गई। और ये कुबेर टेला जो है आज फैजाबाद जेल के अंदर है, और बदकिस्मती से जिस दिन अशफाकुल्ला साहब की शहादत दिवस पर 19 दिसंबर को खुलता है तभी आप इस कुबेर टेला के दर्शन कर सकते हैं। अयोध्या में यही दो हिंदू मुसलमान कमांडर नहीं थे जो एक साथ लड़ रहे थे, अच्छम खान और शंभू प्रसाद शुक्ल जो देवी बख्श की सेना के थे, इन दोनों ने भी कई लड़ाइयां जीती और उसके बाद इनको फांसी पर चढ़ाया गया और इनकी खाल उतारी गई फांसी पर चढ़ाने के बाद, और इनकी लाशें लटकती रही। बहुत सारी चीजें मैं छोड़ दे रहा हूँ। झांसी, आप जानते हैं कि झांसी में लक्ष्मीबाई के जो तोपखाने के मुखिया थे वो एक पठान गुलाम गौस खान थे, और उनकी घुड़सवार सोनक के मुखिया जो थे वो मुसलमान खुदा बख्श थे। और जब झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा किया 4 अप्रैल 1858 को ही, उसमें दोनों शहीद हो गए, और इन दोनों ने ही रानी को कहा था कि आप यहां से निकल कर जाइए और आप लड़ाई का दूसरा मोर्चा लीजिए। और रानी लक्ष्मीबाई को भी ये समझ में आ गया था कि अगर हम ग्वालियर का जो दलाल राजा है सिंधियास, जिन्होंने आजादी के बाद भी आजाद हिंदुस्तान में भी खूब राज किया, आज भी वो किसी न किसी की कैबिनेट में रहते हैं, उस परिवार ने से लड़े बिना नहीं होगा, तो ये लोग झांसी के किले पर जब कब्जा करने गई तो वहां शहीद हुई 17 जून 1858 को। जिस अंग्रेज अफसर ने इनको मारा उसने जो रिपोर्ट भेजी है उस रिपोर्ट में उसने लिखा है कि रानी मर्दाना कपड़े पहने हुए थी और उनके ऊपर एक उनकी पुरानी नौकरानी जिसको आज आप पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर कह सकते हैं मुंदर जो थी उनके ऊपर पड़ी हुई थी, और ये मुंजर थी जिसका जिक्र रानी लक्ष्मीबाई के बहुत वर्तांत में आता है। मैं उसके बाद आखिरी बात पर आ रहा हूँ, वो ये है कि ये देवबंद सहारनपुर और मेरठ के पास में एक जगह है थाना भवन, यानी जो आज हिंदू मुसलमान की बात करते हैं कि ये तो अलग है, ये तो साथ रह नहीं सकते, अगर ये साथ रहेंगे तो ये हमेशा सिविल वॉर होगी इन दोनों के बीच में। जो एक आरएसएस का बंदा जो त्रिपुरा का गवर्नर है वो कह भी चुका है कि हिंदुस्तान में जब तक मुसलमान हिंदुओं के बीच में सिविल वॉर नहीं होगा ये मसला निपटेगा नहीं। एक ही कस्बा थाना भवन में 14 हिंदू मुसलमान सिख औरतों ने एक साथ शहादत दी। मैं उनका नाम पढ़कर सुना रहा हूँ, असगरी बेगम, आशा देवी, और मैं उनकी जाति और धर्म भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये बताने के लिए कि देखिए किस तरह से सारे धर्मों के सारी जातियों के लोग मिलकर लड़े थे। असगरी बेगम सैयद थी, आशा देवी गुजर थी, बख्तावरी मुसलमान थी, उनका उनके बारे में और ज्यादा जानकारी, भगवती देवी त्यागी थी, हबीबा गुजर मुसलमान थी, इंदर कौर जाट थी, जमीला पठान थी, माम कौर चरवाहा परिवार से थी, रहीमी राजपूत थी, राजकौर राजपूत थी, शोभा देवी ब्राह्मण थी, उमदा जाट थी, भगवानी और बीबी के बारे में भी नहीं पता। 14 औरतें 1858 में फांसी पर चढ़ाई जाती हैं, और उसके बाद ये उन कस्बों में से है, उन शहरों में से है जिसको जमीन दोस्त किया जाता है, जिसको दैट इज रेस्ड टू ग्राउंड। और ये गीत आपको मैं
पढ़कर सुना रहा हूँ आखिरी। अजीमुल्ला साहब का लिखा हुआ गीत आखिरी मेरा पॉइंट है, ये 11 तारीख या 12 तारीख को लिखा गया और 13 या 14 के अखबार में दिल्ली में छप गया। हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। ये है हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। कितना कदीम कितना नईम सुख सब दुनिया से नियारा। मुझे लगता है कदीम आप समझते हैं प्राचीन और नईम इनोवेटिव। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बसता सागर का नकारा। इसकी खदाने खाने, उर्दू में खाने कहते हैं, इसकी खाने उगल नहीं सोना हीरा पारा। इसकी शान और शौकत का दुनिया में जयकारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंत्र मारा। लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा, आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा। तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा। ये है आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा। 14 मई 1857 को ये दिल्ली में छप गया और जो इंकलाबी सेना जहां भी लड़ती थी उनकी जो परेड होती थी, इस गाने को एक एंथम के तौर पर गाया जाता था। बहुत बहुत धन्यवाद।